स्टार्ट होने वाला है एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम एचसीएम में अपने शॉर्ट ट्रिक से बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले विभाजिता के नियम याद करने बताया था, दो का विभाजिता का नियम, तीन का विभाजिता का नियम, चार का विभाजिता का नियम, पांच का, छह का, सात का, आठ का, नौ का, दस का, ग्यारह का। ग्यारह तक विभाजिता का नियम याद कर लो, आपके एलसीएम एचसीएम क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम एचसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, हम आपको दो मेथड बताते हैं। पहले तो विभाजिता के नियम से डायरेक्ट अपन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, आज अपन जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे सवाल ये बताने वाले, ठीक है ना। तो पहले हम आपको डायरेक्ट लेना भी बता देते हैं कैसे एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल है 24, 36, 40 का एलसीएम लेना, 24, 36, 40 का एलसीएम। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, जैसे 24, 36, 40 का एलसीएम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट इसको कितने से काट लेंगे, देखो कितने से काट लें यहाँ पर बताओ, 24 से, 36 से, 40 से, जिससे आपको उचित लगे उसी से काट लो, बोलो कितने काट लें, 24 बड़ा दे दो, इन्हीं में से कोई बड़ा उठा लिया करो, 40 क्या 40, चलो मैंने 40 से काट लिया। तो 40 में यहाँ पे क्या होता है भाई, 8 × 5, तो 5 तो किसी में है नहीं, बट इसमें 9 × 4 = 36, 9 मिल गया यहाँ से 8 दिया 24, यही हो गया। अब डायरेक्ट इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9, तो डायरेक्ट 9 से अपन क्या कर देंगे इसको, ये 40 से 40 गया, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 3, तो 9 से इसको गुणा कर दिया, तो 9 × 36 कितना आंसर आ गया, 360। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 360। तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड हो गई, आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। अनका आप सभी को बताया जो ट्रेडिशनल मेथड है विभाजिता आपके एलसीएम निकालने की, आप अभाज्य संख्याओं से काटते हो, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर ऐसे आगे 11 से, ऐसे आप काटते चले जाते हो। बट ऐसे हम काटेंगे तो काफी टाइम लगता है, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, आप उस सवाल को सबसे पहले बड़ी संख्या उसी में से उठाकर उससे काटेंगे, बट पैटर्न करके, तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, दो मैंने, ठीक है ना। चले यहाँ पे, तो आज अपना पूछे सभी सवाल करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम के। तो पहला सवाल क्या है आपका, 24, 36, 40 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम। जब एलसीएम निकालना होता तो मैंने सभी पहले बोल दिया आपसे कि इनमें से आपको देखना है, इनमें से इन सभी संख्याओं से कोई भी एक ऑप्शन कट रहा होगा, कोई भी एक ऑप्शन, तो इसमें से किसी एक संख्या को खंड कर लो, 36 का क्या कर सकते हैं, 9 × 4, तो जो संख्या 9 से कटेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, जो संख्या 9 से, 2 × 1 = 3, 3 9 से कटेगा नहीं, 4 × 2 = 6 नहीं कटेगा, 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से कूटते विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखो 4 × 2 = 6, 6 9 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 × 3 = 9 कट गया, 8 × 4 = 12 ये नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 360। इस तरीके से हम सीधे से जल्दी से सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 66, 75, 113 66, 75, 130 का एलसीएम निकालना है, इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले देखो 66 क्या होता है, 11 × 3, जो संख्या 11 और 3 से कट जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, अगर इन दोनों से एक से अधिक ऑप्शन कटते तो फिर दूसरी संख्या से ट्राई कर लेंगे, क्लियर। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, 3 से चेक कर ले पहले, तो 4 × 2 = 6, 6 × 5 = 11 नहीं होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 5 = 13 नहीं 3 से कटने वाले, 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 5 कितने होते हैं, 14, ये भी नहीं कटने वाली आपके 3 से, तो 5 × 4 = 9 और 9 × 3 कितने होते हैं, 12, ये आपकी कट जाएगी, तो 21,450 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्लियर। ये आपके सर्टिफिकेट से भी डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाते हैं। तो चलो यहाँ पे इस साइड आपको क्या याद करना है, एलसीएम 9, 30, 27, 15 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम 9, 30, 27, 15 का, देखते हैं इनमें से क्या कर ले, सीधा सा 27 ही हो गया, 27 मतलब जो 9 से 27 से कट जाएगी, 120 नहीं कटेगा, 24 भी नहीं कटेगा, तो फिर आपका आंसर क्या हो गया, 270। फाइनल है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 270। तो इस तरीका से आप सभी के सभी सवाल इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो एलसीएम एचसीएम के। अब हम सीधे चलते हैं आपसे एचसीएम की ओर, किसकी ओर, एचसीएम की ओर। एचसीएम में जस्ट इसका उल्टा देखते हैं, एचसीएम में क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, अभी तक संख्याओं का भाग देते थे ऑप्शन में, अब ऑप्शन का भाग देंगे संख्या, जिस ऑप्शन से सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 4 से ये सभी कट रहे हैं, 6 से भी ये सभी कट रहे हैं, 6 से भी, तो यहाँ पे 4 से 6 से आगे 12 से भी चेक करते हैं, 12 × 36, 12 से कट रहा है 36, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, तो यहाँ पर आपका 4, 6 के ना होते हुए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 12।
12 का रीजन है, 12 क्यों आपका आंसर हो जाएगा, तो 12 आपका इस वजह से आंसर हो जाएगा क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या मिल रहा है इनमें से, अभी जो संख्या है इनमें से सबसे ज्यादा 6 भी मिला था, 4 भी मिला, बट बड़ा क्या है 12। वेट करो यार थोड़ा, हो जाए ठीक है ना, जब बोले तब बढ़ा दिया करो। तो क्या हो गया इसमें सब में बड़ा कॉमन क्या मिल रहा है आपको 12, ना ही 4 है ना ही 6 है, 6 से बड़ा कॉमन क्या है 12, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। सेकेंड सवाल को देखते हैं हम यहाँ पे 18, 42, 102, 18, 42, 102। तो यहाँ पर एक चीज देखना कि सभी में 3 कॉमन मिल रहा है आपको, मिल रहा है सभी में 3 कॉमन, 18 में भी मिल रहा है, 42 में भी मिल रहा है और 102 में भी। तो 8 तो फिर आपका आंसर नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में अकेले में आपको 3 मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर 6। तो ऊपर से अपने एलसीएम निकालना सीखा था, अब अपन ने एचसीएम भी निकालना सीखा इस प्रकार से। आगे देखते हैं क्या करते हैं प्रोसेस। चलो यहाँ पे देखते हैं, वो छोड़ो, उसी प्रकार से पूरे के पूरे सवाल निकालेंगे हम, एक टाइप के आपको 2 से 3 सवाल करवाएंगे, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। आगे चले यहाँ पे देखते हैं एलसीएम, जब किसी भी संख्या जो भिन्न के रूप में होते हैं, किसके रूप में, भिन्न के रूप में होते हैं और फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना होता है, तो हम ऊपर की संख्या का लेते हैं एलसीएम और नीचे की संख्या का लेते हैं एचसीएम। तो एलसीएम लेना भी बताया था आपको, 8 + 3 = 24, 24 क्या हो गया एलसीएम। यहाँ पर एचसीएम जब कुछ भी कॉमन ना मिले, कुछ भी कॉमन ना मिले तो एचसीएम कितना होता है हमेशा 1, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का एचसीएम हमेशा 1 होता है। तो आपका आंसर कितना हो गया 24। आगे बढ़ो, इधर देखो 5/7, बस 5/7, 7/8, 8/9 का एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम पूछा तो ऊपर की संख्या का क्या लेंगे एलसीएम, जो पूछा जाता है वो ऊपर की संख्या का लेते हैं, जो नहीं पूछा जाता वो नीचे की संख्या का लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 8.40, 40 सत्तर कितने होते हैं 280, क्योंकि 7 + 4 = 28, 280 आ गया, और नीचे का एचसीएम कितना आ जाएगा 1, तो आपका 280 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, आपको किसी भी जगह पर जहाँ ना ही ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, बहुत आसानी पूर्वक सवाल आपके सभी आते जाएंगे इस प्रकार से। ये भी यहाँ पे ये देख लो, इसका क्या पूछा है एचसीएफ, एचसीएफ पूछे तो ऊपर की संख्या का क्या लेने वाले अपन एचसीएफ और नीचे की संख्या का लेंगे एलसीएम। इसमें एचसीएफ पूछा है तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे की संख्या का लेंगे एलसीएम। देखते हैं, तो यहाँ पे 8 + 32 = 3, 35/8, ये 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 5/2। सेकंड क्या, 6 + 4 = 24 और 1 = 25, 25/4। ऊपर का कॉमन क्या मिल रहा है आपको सभी में, एचसीएफ पूछा तो 5 कॉमन आ गया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे 5 मिल रहा है, देखो सभी में 5 है, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, तो 5/8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस मेथड से आप बड़े से बड़े सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलिए, स्टॉप हो गया, स्टॉप। यहाँ पे क्या होता है, जब इस प्रकार से सवाल दिए जाते हैं घात के रूप में, किसके रूप में, घात के रूप में, तो जब आपका बेस समान हो फिर घात कुछ भी हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो बड़ी घात होगी, बड़ी घात होगी वो एलसीएम होगा, और जो छोटी घात होगी वो आपका एचसीएम होगा। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 4/7, और वही आपका हो जाएगा एलसीएम। इधर देखो 7/8, 7/6, 7/5, 7/10 का क्या पूछा एचसीएम, सबसे छोटी घात होगी एचसीएम में, तो सबसे छोटी घात क्या है आपकी 7/5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे चल, यहाँ पे आप देख सकते हो 5/-11, और एक चीज माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो संख्या सबसे बड़ी होती है माइनस में वो सबसे छोटी होती है। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पर इनमें फिर एलसीएम में उल्टा हो जाएगा, एलसीएम में जो सबसे छोटी होगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा, और जो माइनस में सबसे बड़ी होगी वो आपका एचसीएम हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं 5/9, 5/9, तो फिर आपका ये आंसर हो जाएगा, और 5/16 क्या हो जाएगा एचसीएम। तो 5/9 और कॉमा 5/-16 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो
दो व्यंजनों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 12, 396। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहली संख्या क्या है आपकी, एलसीएम एचसीएफ क्या है, 12 गुणा 396 बराबर पहली संख्या क्या है 36 और दूसरी संख्या आपसे पूछ ली है। तो 12 3 36, 3 से 1 आगे में 3 एकम 3, 3 तक 9, 3 दूनी 6, 132 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। सेम वैसे ही सवाल ये भी है, दो संख्याओं का मासा 16 है, लासा कितना है 160, इनमें से एक संख्या 32 दूसरी संख्या पूछ ली, तो 16 दूनी 32, 2 से 1 काटा तो 2 8 16, 80 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? ऐसे सभी सवाल हो जाएंगे अपने, आगे बढ़ो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक है क्रम से 44 तथा 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आ गया 44। जब 2 से भाग दिया तो भागफल 44 है, तो संख्या क्या हो जाएगी 44 दूनी 88, संख्या क्या होगी पहली 88। अब अपन पहले के तरीके से इसे कर सकते हैं, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी आ गई 88, तो 44 दूनी 88, 44 दूनी कितनी हो गई 88, 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? जाओ, जब सवाल आपके रेशियो में दे दिए जाते हैं, किसमें, जब सवाल आपके रेशियो में दे दिए जाते हैं अनुपात में, तब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तीन संख्याओं का मासा एचसीएफ कितना दे दिया 12, यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो तो ये संख्याएं होंगी आपके, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 आपका सीधा आंसर हो जाएगा। इधर आते सीधे सवाल पे मूव करके थोड़ा करो, बस दो संख्या को अनुपात कितना है 5:3, यदि उनका उसका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब ये संख्या क्या हो, सभी संख्याएं पूछ रही है आपसे, क्या पूछ रही है संख्याएं। जब ये संख्या पूछ रही है तो इसमें क्या रेशियो दिया है आपको 5:3, रेशियो कितना दिया है 5:3, और एचसीएफ कितना दे दिया आपको 13, तो एचसीएफ का आप सीधा इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13×65, 13×3 39, ये आपकी क्या हो जाएगी संख्या, आंसर सीज करेक्ट। इस प्रकार से अपने भी कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ, ये फैक्टर है, तोड़ने के बाद क्या करना है सीधा सा खंड कर देना, यहाँ पे ऐसे एक मिनट रुको, दो संख्याओं का योग कितना दिया 112, अब तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है 24, इसका प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने योग, मतलब जोड़े कितने बनेंगे संख्या के, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो 24 8 कितने होते हैं 152, 24 8 152, अगर इसके जोड़े बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 1 7 3 और 5, उसके बाद तो आपका 4 और 4 करेंगे तो वो अपना सेंट्रल सिग्नल कट जाएगा, तो ये आपके कितने जोड़े बन गए, एक तो ये बन गया और ये बन गया, कितने जोड़े बन गए 2। इस प्रकार से आप जोड़े वाले सवाल भी करेक्ट कर सकते हैं। आगे चलो, अब यहाँ पे अपन को चेक करना है कि यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या दे दी है, कौन सी संख्या दे दी है पूर्ण वर्ग, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम ऑप्शन में एक चीज देखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, क्या 32, 40 पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, नहीं, 22, 50 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, 3600 और 900 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें से आपको क्या करना है ये देख लीजिएगा, पहले इनका एलसीएम भी अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो ना एलसीएम देखेंगे, तो 36 से सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, मैंने काटा बताया, तो 36 एकम 36, 18 दूनी 36, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 3 15, 3 उसमें चला गया 36 में, यहाँ पे कितना आएगा 12 3 36 खत्म हो गया, यहाँ से कितना बचेगा 6 करेंगे 36 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 5 यहाँ से बचा, कितना बचा 5, तो अब एक बार 5 से काट देंगे तो 36 5 कितने होते हैं 5 6 30, 3 5 3 15 3 18, तो कितना एलसीएम आ गया भाई आपका 18, कितना आ गया 18। अब इसके मल्टीपल में देखना है अपन को पहला वर्ग कौन सा होता है, तो इसके मल्टीपल में पहला वर्ग कौन सा होता है,
तो यहाँ पे सीधा साफ कर दो, 18 × 5 = 90 और 900 आपका पहला वर्ग हो जाता है, कितने का 30 का वर्ग हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट फाइनल कर सकते हैं। क्लियर? एलसीएम लेना समझ में आ गया? एक बार में एलसीएम ले सकते हो, बड़ी संख्या से डायरेक्ट काट दो, एक बार में एलसीएम आ जाता है। हमें इतनी सारी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। कौन सी संख्या हो? पूर्ण वर्ग। तो पहले तो आप 1000 किसी का वर्ग नहीं होता, ये तो 10 का घन होता है। 180 भी किसी का वर्ग नहीं होता, यही हो गया। अब कितने भाई, 400 और 900, ये दोनों ही आपकी क्या है? एक वर्ग संख्या है, दोनों ही वर्ग संख्या है। अब देखो भाई, 12 आ गया और 15 आ गया, ये सभी क्या है? 3×5 और 3×4 खंड होते हैं, अर्थात वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से कटेगी तभी तो वर्ग बनेगा, तो आपका क्या 4 3 से कटेगा? नहीं। तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 900। 900 इज करेक्ट आंसर। आगे समझ में कैसे करना है अपन को? चलो बस चलेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखो हम इन सभी संख्याओं से काट रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? 2। अगर हम उस 2 को घटा देंगे तो वो संख्या पूर्ति कट जाएंगी। जो शेष 2 बच रहा है, यदि हम उस 2 को घटा देंगे तो इन सभी से वो संख्या कैसी होंगी? पूर्ति कट जाएंगे। देखते हैं 2 को घटा के, अगर 46 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचा? 44। 48 में से 2 घटाया तो कितना बचा? 46। 50 में से 2 घटाया कितना बचा? 48। 56 में से 2 घटाया? 54। ये तो हो गया। अब देखो भाई इसमें क्या है? 12 है, कितना है? 12। तो 12 का मतलब गुणा क्या होता है? 3×4। ये तो हो गया। अब देखते 3 से, तो ये 3 से ये भी नहीं कटा, 6×4 10, 3 से ये भी नहीं कटा, 8×4 12, और 5×4 9, ये दोनों ही आपकी कितने से कट रही है? 3 से। 3 से कट रही है ना यहाँ पे, बट कंडीशन क्या है? 4, 6, 8, 12, 16, ये है ना। अब देखो इसमें कहीं 5 आया? नहीं आया ना। जब तक 5 नहीं आएगा तो इसका 0 कैसे आ सकता है? राइट, जब 5 नहीं आया तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 85 आंसर हुआ। यहाँ पे एक चीज देखो, जब 5 नहीं आ रहा सुनिए, तो 2 प्लस हो रहा है, इस वजह से आपको वो आ सकता है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे देख रहे हो इससे कट रहा है, ये दोनों इससे कट रहे हैं, तो अगली प्लेयर क्या है? 16। 16 से चेक करेंगे हम, किससे? 16 से। 16 से देखो 54 नहीं कट रहा, 16 से 54 नहीं कट रहा है, 16 से सिर्फ और सिर्फ 48 कट रहा है, इस वजह से आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 50। क्लियर? चलो हो गया, स्टॉप कर लीजिए। सेम वैसे ही सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हाल में, हर साल में 7 बचे। साल करते हैं ना, भी हर हाल में लेना है, ठीक है ना। तो हर हाल में कितना शेष बचना चाहिए? 7। तो 7 शेष बचे, अगर हम वही के 7 को घटा देंगे तो फिर से वही प्रोसेस है, पूर्ण भाग चला जाएगा। कितना हो गया? 48 से भाग देने पर हर साल में, हर हाल में 7 बचे। चल तो अभी 7 को घटा देते हैं, फिर ये पूर्णतः कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना है? 5। 3×5। अब आप सभी को पता है कि 5 से भाग तभी जाएगा जब इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। जब इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा, जब भी 5 से भाग जाएगा। अब हम 50 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा? 43। 40 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 33। और यहाँ पर 33 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33 में से 7 घटाएंगे 26। और यहाँ पर 47 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा? 40। तो 5 से तो एक ही कट रहे हैं, दैट इज योर 50, 47। आपका क्या हो जाएगा आंसर? एक ही आपका आंसर हो गया, 50 और 47। क्लियर? तो इस प्रकार से आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। कोई टाइम लग रहा है क्या इनका? वह तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में आप जवाब देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आगे चले, इधर देखो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो यदि 1 से बढ़ा दी जाती है, 1 से बढ़ा दी जाती है तो 12, 18, 24, 32, 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाती है, वह संख्या आपकी कौन सी होगी? अब देखते हैं इसमें। अब सबसे बड़ी बात है 40 आ गया, तो 40 क्या होता है? 8×5।
तो यहाँ पर क्या है आपका 40 आ गया। अब 40 किसमें क्या है एक बढ़ा दी जाती है, कितना एक यदि आप बढ़ा दोगे तो वो पूर्ति कर जाएंगे, एक बढ़ाना है उनको, चलो एक बढ़ा लेते हैं। इसमें एक बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 42, इसमें एक बढ़ाया कितना हो जाएगा 39, इसमें एक बढ़ाया कितना 39, इसमें एक बढ़ाया कितना हो गया 40। भाई ये भी नहीं पांच से कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, पांच से क्या कट रहा है सिर्फ एक, तो 14 39 आपका क्या हो गया आंसर। सेकंडों में सवाल आ रहा है ना, हमें यहाँ पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके सवाल के जवाब 2 to 5 या 10 सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्ण है विभाजित होता है। अब क्या है पांच अंकों की, तो पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जेड अपन ऑब्जेक्शन ऑप्शन में देख लेते हैं। अब किससे विभाजित हो जाए 12, 15 और 18, 18 मतलब 9 से कटनी चाहिए, 18 मतलब 18 के खंड क्या होते हैं 9 × 2, तो 9 से कटनी चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं क्या ये 9 से कटेगा, नहीं ये 9 से कटेगा, नहीं ये 9 से कटेगा, नहीं एक ही संख्या आपकी 9 से कट रही है, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। आप विदिन सेकंड में किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, आ रहा है एक ही तो आपका 9 से कट रहा है, बाकी तो कोई नहीं कट रहा ना, तो ये भी आपका आंसर कितना हो गया 10,080 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर देखते हैं इस पेयर में क्या क्या आपका 3 भी है, कितना है 3 है और 7 है, तो 3 से ही चेक कर लेते हैं, एक बार में क्लियर हो जाएगा 7 तो बाद में पहुंचेंगे। इसमें एक जोड़ा कितना हो गया 80, इसमें एक जोड़ दिया 80 हो गया, इसमें एक जोड़ा कितना हो गया 55, इसमें एक जोड़ा कितना हो गया 79, इसमें एक जोड़ा कितना हो गया 77। क्लियर, तो 8, 1, 9, 7, 7, 14 ये 3 से कटेगा, नहीं 7, 1, 8 ये 9 से कट गया, 7, 1, 8, 8, 7 कितने होते हैं 15, ये 9 से कट रहा है। इधर से स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखो ये कितना हो गया आपका 9 से कट रहा है, 9 से 9 कट गया तो 7 और 7 कितने हो गए 14, 14 और 1, 15, 9 से कट रहा है, अभी ये हो सकता है। इसको देखते हैं 5, 5, 10, 10 और 7, 17 ये दोनों ऑप्शन आपके हट चुके हैं। क्लियर, ये दोनों हट गए, अभी आपका 1680 बचा हुआ है और 1779। अब इन दोनों में आपका आंसर कौन सा हो सकता है अभी आप चेक करते हैं। अभी हमने किससे चेक किया 9 से, 3 से चेक किया, अब अपन चेक करने वाले हैं किससे, अभी इसे भी चेक करने की कर रहा है गंगा 8, 1, 9 और 1 कट रहा है, ठीक है ना। अब अपन सीधा सा किसे चेक कर लेते हैं 5 से कर लो ना, 5 से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपन को, क्योंकि 5 है ना, जो 5 से कटेगा वो आंसर होगा। और 5 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 0 या फिर 5, तो वह संख्या 5 से कटता है कट जाएगी, तो वो तो सिर्फ इसमें पाएगा 80, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1679 डैश योर आंसर। क्लियर, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 3 की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20 और 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। क्लियर, अब देखो 7 से तो पूर्ति कट रही है परंतु कितने से 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है 4, यदि हम 4 को घटा दें तो इन सभी संख्याओं से पूर्ति कट जाएंगी। क्लियर, 4 को घटा दें तो इसमें से 4 घटाएंगे कितना बचा 2, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहले इसको भी 4 घटा लेते हैं 0, 0, 0, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका 12 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये आपका 9, 9 और यहाँ पे 9 और ये कितना आ जाएगा 7, ये हो गया 12 में से 4 गए तो आपके 8 बचे, यहाँ पे 9 आ गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ गया आपका 1। क्लियर, अब अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें से भी 4 घटाना है तो ये हो गया आपका 17,000 हो गया। अब अपन देखते हैं तो 25, 25 और 18 मतलब 9 से और 5 से कट जाएगा वो आपका अंतर हो जाएगा। तो पहली बात तो देखते हैं क्या ये आपका 9 से कटेगा 7, 8 9 से नहीं कट रहा है यहाँ पर, यहाँ पे ये आपका कितने से कटना चाहिए 5, तो इकाई स्थान पर 2 आ गया तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म, इसे ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो इकाई स्थान पर कितना आ गया 8, तो आपका आंसर कितना हो गया 8,000
चार, देखो आठ एक नौ, नौ से भी कट गया, इक्कीस तक पर जीरो, तो ये पांच से भी कट जाएगा। और अभी इसको चेक कर लो तो सात से भी आपका पूर्णतः पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, अठारह डबल जीरो चार हो गया। आगे चलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, याद रखना इन सवालों में यदि छोटी से छोटी बोला गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, और अगर बड़ी से बड़ी बोला गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएम। छोटी से छोटी एलसीएम, बड़ी से बड़ी एचसीएम। फाइनल करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका क्या याद करना है आपको, एचसीएम, एचसीएम याद करना है। तो देखो एचसीएम का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन से भाग देते हैं, जिस ऑप्शन से सभी संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। देखते किससे जा रहा है, तीन, यहाँ पे तीन से नहीं कटेगा तो तीन आपका खत्म, तीन खत्म तो आपका इक्कीस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक सौ एक हजार एक आपका तीन से नहीं कटता, एक और एक दो ही हो गया। अब चेक करना है ग्यारह से और किससे क्या चेक करेंगे, सात से। अब देखो ग्यारह से कौन कौन सा कट रहा है और सात से कौन कौन सा कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्कीस, यहाँ पे सात दिनों सात पंचा पैंतीस, सात से ये भी कट गया अपना, हो गया सात से ये भी कटे चौदह सत्तर अंठानवे, तो सात से इक्कीस, सात से भी कट गया ये पूरा, और यहाँ पे ये तीन दो, यहाँ पे आ जाओ ग्यारह का नियम कौन सा फैल कर रहा है, ये देखो ग्यारह का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के एक एक स्थान छोड़कर उनका क्या करना है, योग करना है, फिर उनको आपस में माइनस करना है, और यदि वो आपका जीरो या ग्यारह, ग्यारह का बुढ़ा जा जाए तो वही आपका क्या होता है, ग्यारह से पूर्ण संख्या विभाजित होती है। इसको देखते हैं, तो दो एक कितने हो गए, तीन और दो पाँच, चार चार कितने हो गए, दस, दस में से पाँच गया तो कितना बचा, पाँच, अर्थात ये संख्या ग्यारह से विभाजित नहीं होगी, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सात, क्योंकि वही एक बच्चा है, सात से इसको भाग देके देख लो, सात से पूरा कट रहा है, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएम भी फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एचसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि, जिससे यदि क्या करना है आपको, कौन है, गोपाल साहब, कहाँ से ज्यादा दिक्कत, चले जाओ, ठीक है ना, इधर आ जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि, आगे कर लिया, बाईस सौ चौहत्तर, बाईस सौ चौहत्तर, दो हजार इकसठ और एक हजार चौवन को भाग दिया जाए तो क्रमशः छह तीन और चार शेष बचे, कितना, छह तीन और चार शेष बचे। तो अब इधर अपन को क्या करना है, इनको घटा लें, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इधर घटा लेते हैं, तो यहाँ पे छह घटाओगे तो कितना बचेगा, बाईस सौ चौहत्तर में से छह घटाओगे तो बाईस सौ अड़सठ, इधर अगर आपने कितना तीन घटाओगे तो कितना बचेगा, दो हजार अट्ठावन, इधर आप चार घटाओगे तो कितना बचेगा, एक हजार पचास। अब जो संख्या इन चारों ऑप्शन से पूर्णतः कट जाएगी, जो जिस ऑप्शन से ये तीनों संख्या पूर्णतः कट जाएंगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो पहले देखो साठ, साठ में जीरो आ गया तो ये भी नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा ये, क्योंकि जीरो तो इन दोनों में है ही नहीं है, तो तीस से भी ये नहीं कटेंगे, पीछे जीरो आ गया। अब किसे चेक करना है, सत्रह और बयालीस। अब देखो बयालीस का खंड क्या होता है, चौदह तीन बयालीस, चौदह तीन बयालीस, तो दो से तो सभी संख्या कट गई है, तीन का नियम फॉलो कर लो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आठ पांच तेरह कितना हो गया, आठ पांच तेरह, तेरह दो कितने होते, पंद्रह, तीन से कट रहा है आपका, तीन पांच एक छह, तीन से पूर्णतः कट रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, आठ चार चौदह, चौदह चार अठारह, तीन से कट रहा है, अर्थात बयालीस आपका क्या हो गया, आंसर, बयालीस क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। सीधा सर आगे चलो, यहाँ पे क्या बोला गया, एक सवाल है जिसमें बोला गया सात मीटर तीन सौ पिचासी, यहाँ पे तीन मीटर पिचासी सेंटीमीटर है, या बारह मीटर पंचानवे सेंटीमीटर की लंबाइयों को यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः, क्या हो गया, सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का प्रयोग की जा सकती है, कौन सी अपनी, वही लोग सबसे बड़ी की बात करती है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सात मीटर का अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितना हो गया, सात सौ, तीन सौ पिचासी सेंटीमीटर हो जाएगा, तीन सौ पिचासी सेंटीमीटर, बारह सौ पंचानवे हो गया, कितना, बारह सौ पंचानवे सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, उनको एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या आ गया, सात, सात आ गया, तो पच्चीस में सात नहीं आता, पंद्रह में सात नहीं आता, इन दोनों में भाई क्या है, सात है, क्या है, इन दोनों में सात है। परंतु आप सभी जानते हो बयालीस में क्या होता है, चौदह गुणा तीन, चौदह गुणा तीन मतलब बयालीस में तीन आता है, तीन क्या सात से कटेगा, नहीं,
तो इस वजह से तीन से सात नहीं कटेगा, तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर आपका आंसर क्या होगा? 35। 35 इज करेक्ट आंसर। देख लेना 35 से सभी संख्याएं आपकी कट रही है। देखो 35 दूनी 70 कट गया पूरा, 35 एकम 35, 35 एकम 35 पूरा कट रहा है। तो 35 से ऐसी इनमें से एक भी संख्या नहीं है जो 35 से ना कटे। क्लियर? इस तरीके से आप सभी सवाल यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चले, चार घंटियां याद रखना। जब घंटियां की बात हो, बत्तियों की बात हो, तो अपन को क्या लेना है? सिर्फ एलसीएम। जब भी घंटियां बजे और आपकी बत्तियां बजे, तो आपको क्या लेना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम देखते हैं। चार घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजे, इकट्ठी कितने बजे बज रही हैं? 12 बजे बजे, बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय पे फिर इकट्ठी बजेंगी? तो हमको पहले क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम का क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या से काट दो। फिर से काट दो, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या है आपकी? 14। तो 14 एकम 14, 14 में क्या आता है? 2, 2 7 14, तो 2 4 8 4 बचा। द्वितीय 6 कितना बचा? 3, और 2 2 4 कितना बचा? 2। यही हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, 12 × 14, तो 12 4 कितने हो गए? 48, 4 आ गया। 12 एकम 12, 12 4 16। अब 116 आपकी क्या आई है? सेकेंड। 116 आपकी क्या आ गई? सेकेंड। इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? मिनट में। तो इसमें मिनट कितनी बन जाएगी भाई? 60 का भाग दे दो आप। कितने का भाग दे दो? 60 का। तो अगर 60 का भाग दो तो आप कितना हो जाएगा? 60 दूजा 120 कितनी सेकेंड बची? 48, अर्थात 2 मिनट 48 सेकेंड। तो पूरा क्या हो जाएगा? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर वो पुनः बजेंगे। तो कौन सा सवाल है? ये 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर वो पुनः एक साथ बजेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। यदि बत्तियों का सवाल आए, घंटियों का सवाल आए, तो उसमें सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। क्लियर? आगे बढ़ो। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है? विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, अधिकतम लग गया भाई, ध्यान रखना ऊपर वाला, जिसमें 1001 पेन तथा 91 क्या है? 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या कैसी हो? बराबर हो। प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या कितनी हो? बराबर हो। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1001 से 910 तो कटेगा नहीं, 1911 तो वैसे ही ज्यादा हो गया, ये भी नहीं रहा, हो गया ना। और 910 से 1001 नहीं कटेगा, परंतु 91 से ये सभी कट रहे हैं। देखो 91 से ये भी कट गया और 91 से आपका ये भी कट रहा है। क्लियर? कैसे? देखो 91 बड़ा 11 करेंगे तो आपका 1001 आता है। कितने बार जा रहा है? 11 बार जा रहा है ना। मान तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 91 कम 91 कितना बचा? 9, और 9 से ये कितना हुआ? 91। तो 91 कम 91, अर्थात इसका आंसर कितना हो गया? 91 इज करेक्ट आंसर। बोल बोल सकता है ये सवाल दिया जाए? स्टॉप। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को, एक सेना का अधिकारी है, वो क्या करता है? अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो, किसमें हो? ठोस वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है? कितने सैनिक होना आवश्यक है? तो भाई पहली बात तो वर्ग करना है। क्या करना है आपको? वर्ग। तो वर्ग कितना हो जाएगा? 180 किसी का वर्ग नहीं है, 360 किसी का वर्ग नहीं है, 1440 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो भाई क्या हो गया? 900। यही हो गया। कंफर्म करने 114 का क्या है? 3 ही है क्या? ऊपर बढ़ा थोड़ा सा, वेट करो, 114 3 इंच करे नीचे कर दो, ठीक है ना। तो 114 का क्या हो गया आपका? सीधा सा आपने कर लिया यहाँ पर, बस ऊपर रखो, बस सेम टू सेम वैसे ही है। इसका भी आपको कर लेना है एलसीएम। थोड़ा आगे बढ़ के आ जाओ थोड़ा ऊपर, बस बस बस। इस सवाल को, इतना बड़ा सवाल है, बट देख के उनको बिल्कुल भी नहीं डरना, समझ लो कि जब डर गए वहां मर गए। तो हमें ऐसे यहाँ पे सोच ही नहीं करती कि सवाल बड़ा, देखो अभी सेकंडों में खत्म होगा। इधर देखते, किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई है,
सिंधे ने कहा अगर बुकलेटों को 50 के बंडल में, कितने के 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। अब अफनान ने कहा कि अगर उन्हें 70 बंडल में बांध दें तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचती है। डॉन ने कहा, डॉन आ गया भाई, डॉन ने कहा कि जब बुकलेट 20 के बंडलों में बांधी जाती है, बांधी गई, तब भी एक भी बुकलेट शेष नहीं बची। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे हैं तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? बुकलेटों की क्या करना है आपको, न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम को आप सभी को पता है क्या लेना होता है, एलसीएम। न्यूनतम मतलब क्या हो गया एलसीएम, अधिकतम मतलब क्या होता है एचसीएम। देखते हैं, तो पहले देखो 7 आ गया, 7 से ये नहीं कटा, 7 से ये भी नहीं कटा, 7 से ये भी नहीं कटा, दैट इज योर आंसर। कितना हो गया 700। तो अब बताओ क्या ये इतना बड़ा सवाल था, इतना टाइम लगेगा इसको? नहीं ना, आपने सवाल देखा और सॉल्व कर दिया तो आप विदिन सेकेंड में इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। बस स्टॉप हो गया। इधर देखो, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब हैं, 180 चमेली है, ठीक है, 200 गुलाब हैं, 180 चमेली हैं, चमेली के फूल हैं। उससे कहा गया कि वह है या तो केवल चमेली या केवल गुलाब की माला बनाए और उसमें उतने ही संख्या में फूलों की माला, वह अधिकतम। भाई क्या आ गया, अधिकतम मतलब क्या लोगे, एचसीएम। चलो अपन ऊपर चलते, सवाल पूरा करो, ऊपर है सवाल, आ जाओ स्टॉप। संख्या क्या होगी जिसे वह माला बन सकती है, एक भी फूल शेष ना बचे? तो 230 से कटेगा, नहीं, 10 से कट जाएगा भाई, कट जाएगा। क्या यहाँ 50, क्या आ गया 50, 50 से 180 नहीं कटता, 50 भी खत्म हो गया। 10 से 20 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, बट बड़ी कौन सी है, 20, क्योंकि हम तो बड़ी संख्या को फाइंड आउट करते हैं ना एचसीएम में। अगर दो कॉमन मिल जाए तो फिर उसमें देखते हैं बड़ा कॉमन क्या है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 20 इज करेक्ट आंसर हो गया। और इसी के साथ यदि आपको डाउट हो कि इससे सवाल मेथड से नहीं होते, तो मैंने आप सभी के सामने इसी मेथड से पूरा चैप्टर फिनिश किया है, क्लियर। ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो इस मेथड से सॉल्व ना होता हो, पूरे का पूरा चैप्टर आपका इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। हो गया, अब अपन लगाते हैं सेकंड चैप्टर।